Hello students, today I am going to explain about the cooperative organization which comes under the chapter forms of business organization. We have already studied the different forms of business organization in which we have gained knowledge about the sole proprietor business, joint Hindu family business and partnership business. Now today I am going to explain the cooperative organization. The word cooperative itself involves cooperation. Cooperation means voluntary effort. अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलेंट्री फॉर्म किया जाता है. वॉलेंट्री फॉर्मेशन से मतलब है कि यहाँ पे एक ग्रुप में कम से कम मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. 10 मेंबर्स विच हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट, सबका कॉमन इंटरेस्ट है, वो सभी मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं. लेकिन उनका एम कॉमन होता है. कॉमन एम में सबसे पहले बात आती है कि कॉमन एम उनका क्या रहता है. एक तो उनका इंटरेस्ट एक ही पर्टिकुलर फील्ड में रहेगा, दूसरी चीज़ वो म्यूचुअल हेल्प करने की इंटेंशन से एक साथ आते हैं. तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड फॉर सोशल बेनिफिट्स. These type of organization have single motive, that is to provide services to their members or the society. यहाँ पर ये members एक साथ इसलिए आते हैं कि इनका main aim होता है कि अपने जो भी members हैं उनको mutual help provide करना, plus जो भी उनसे tagged society members हैं उनको भी economically support करना. अब वॉलेंट्री और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के सबसे अच्छे एग्जांपल हमारे पास मदर डेयरी, अमूल, सुधा, ये सभी हमारे पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सभी मेंबर्स एक म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर सभी एक साथ कंबाइन करके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की, जिसमें सबसे पहले उनका इंटेंशन ये था टू प्रोवाइड सर्विसेज. Services is the first aim of this type of organization. After that, they are thinking about the profit. अब सही बात है, organization form की है तो हम services भी provide करेंगे, लेकिन without profit तो हमारा business run करने वाला नहीं. तो profit is the second priority of these type of organization. अब cooperative organization को और explain करने के लिए एक चीज़ कही जा सकती है. We have different types of cooperative organization. कुछ producers मिलकर एक group form कर लेते हैं, वो कहलाएगा producers cooperative society. अब यहाँ पे एक question होना चाहिए कि producers क्यों एक साथ एक group form करेंगे. अब उनको produce करने के लिए जो मैं raw material चाहिए वो single एक एक बंदा एक एक individual purchase करने जाता है तो problem हो सकती है, वो costly भी मिलेगी, इनकन्वीनियंट भी हो सकता है उसको परचेज करना. तो यहाँ पर ये सभी 10 मेंबर्स, एटलीस्ट 10 मेंबर्स मिलकर इन सभी रॉ मटेरियल्स या दूसरे स्पेयर पार्ट्स जो भी चीज़ें चाहिए इनको उसकी परचेजिंग करते हैं. अब बल्क में परचेज किया तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, मीन्स थोड़ा चीप रेट पड़ेगा. तो यहाँ पर ये सोसाइटी फॉर्मेशन में बात यही है कि हम इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए फॉर्म करते हैं टू एलिमिनेट द मिडल मैन. हम मिडिल मैन को एलिमिनेट करने जा रहे हैं. वी हैव टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एक कॉन्टैक्ट हमारा कस्टमर के साथ होगा कि हम उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. दूसरा कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. बीच में जितने मिडिल मैन से उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी और इकोनॉमिकल प्राइस में प्रोडक्ट को परचेज कर सकें. ये है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अब हमें रीड करना है फीचर्स. वन मोर थिंग इज हियर, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर्ड भी कराना है. अब सब सिंपल सी बात है, 10 मेंबर्स हो रहे हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब वी हैव मोर देन 10 मेंबर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ
है, रजिस्ट्रेशन तो असेंशियल है. तो कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर्ड करवाना भी हमारे लिए असेंशियल है. कम टू द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन. इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे वॉलंटरी मीन्स खुद आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट या फिर मैं जो सोच रही हूँ वो आगे वाले की थिंकिंग से मैच हो रहा है तो मैं उसी को ज्वाइन कर लूँ. तो यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन होती है वो वॉलंटरी एफर्ट के कारण होती है. हमें जहाँ कॉमन इंटरेस्ट लगता है उसके साथ मैच अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो वी गो एंड ज्वाइन द ग्रुप. तो ये हमारा वॉलंटरी एसोसिएशन. नेक्स्ट वन इज इक्वल राइट्स. अब बात आती है कि यहाँ पर इक्वल राइट्स किस सेंस में आप इक्वल राइट्स देने जा रहे हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मेंबर्स हैं ये क्लियर है. अब डिफरेंट मेंबर्स का वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स एक साथ आ रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने कैपिटल शेयर कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक मेंबर ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया. मैं स्मॉल फिगर ले रही हूँ ताकि आपको इजी में हो जाए अंडरस्टैंड करने में. एक बंदे ने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 50 इन्वेस्ट किया, तीसरे ने 40 इन्वेस्ट किया. अब मैंने तीन प्राइसेस दिए. एक्चुअली शेयर कैपिटल इस तरह नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी परचेज करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझाना, आपको इक्वल राइट समझाने के लिए मैंने ये स्मॉल फिगर्स दिए. अब 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर ये सारे डिनोमिनेशंस अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जितने मेंबर्स मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं उन सभी के पास इक्वल राइट्स हैं, नो मैटर वेदर दे हैव इन्वेस्टेड मोर और लेस. यहाँ पर ये मैटर नहीं रखने जा रहा है कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है और दूसरे ने कम की है. यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर और आता है, डेमोक्रेटिक सेटअप. वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं जहाँ वन मैन वन वोट की बात की जाती है. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो इक्वल राइट्स दिया जा रहा है. यहाँ पर ये मायने नहीं रखना है कि एक इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी में राम ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़ और श्याम ने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज़ तो दोनों को अलग अलग राइट्स मिलेंगे. नहीं, दोनों को राइट्स कॉमन मिलेंगे और दोनों को वन मैन वन वोट की तरह ही काउंट किया जाएगा. अब बात यहाँ पर एक और चीज़ आनी चाहिए कि वन मैन वन वोट हम चाह क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वहाँ बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है. अब उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बाय दिस डेमोक्रेटिक सेटअप वन मैन वन वोट के थ्रू. तो यहाँ पर आपका इक्वल राइट्स आर गिवन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. यहाँ पर ये मैटर नहीं रखेगा कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है. नाउ कम टू नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट फीचर इज सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव से मतलब है कि यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की है, ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन किस इंटेंशन से हुआ है, प्रॉफिट मोटिव के इंटेंशन से नहीं. प्रॉफिट मोटिव इसका सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा. फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोवाइड सर्विसेज टू द ग्रुप मेंबर्स एंड द आउटसाइडर्स. नेक्स्ट कम टू अवर फोर्थ फीचर, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, एसेंशियल है. इन केस अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी. मीन्स ये लीगली सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द नेम ऑफ ओनर्स. ओनर्स को अलग नेम से जाना जाएगा. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 15 मेंबर्स थे, अब 15 मेंबर्स के नेम से तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाना जा सकता. तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम अलग से एक सजेस्ट किया जाएगा
जिसको हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द ऑनर्स, देन दे देन वी कॉल्ड एज दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी. नेक्स्ट कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की जहाँ तक बात आएगी, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंडिविजुअल्स के अपने कंट्रीब्यूशंस पे, अपने एफर्ट्स पे सबसे पहले तो उनको प्रॉफिट मिलता है. दूसरी बात, मैंने कहा कि दे इंडिविजुअल्स इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब इनको डिविडेंड भी मिलेगा, रेगुलर इंटरवल पर फिक्स डिविडेंड भी मिलता है. प्रॉफिट और डिविडेंड देने के बाद सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, उसमें भी इनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. सरप्लस में इनको पूरा बेनिफिट जरूर मिलता है, एक्स्ट्रा देन द डिविडेंड. अब बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट्स की. मेरिट्स में सबसे पहले इजी टू फॉर्म की बात करते हैं. दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर इजीली फॉर्म्ड, इजी से फॉर्मेशन हो सकती है. कैसे, हम 10 फ्रेंड्स मिलकर सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल हेल्प करने की टेंडेंसी प्लस कॉमन इंटरेस्ट, देन वी गो फॉर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन फॉर्म. नेक्स्ट मैरिज की बात करें तो वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इसका ये मेरिट है कि जो भी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है. अब जितने शेयर्स आपने परचेज कर रखे हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट की, आपकी लायबिलिटी उतनी की बनने वाली है. होल ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा, लेकिन आपके पास जितनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के आप हिस्सेदार हैं उतने के लॉस आपको बियर करना है. तो ये तो है ना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैरिट आपके लिए. नेक्स्ट कम टू कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस का की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी. वो कैसे, यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता कि किसी पार्टनर की, किसी मेंबर की डेथ होती है या इंसॉल्वेंट होता है, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो कैरी ऑन कर ही रहे हैं बिजनेस के ना. तो एक सिंगल मेंबर के जाने या फिर कुछ हैपनिंग हो जाने के कारण इस बिजनेस में कोई असर नहीं होता, तो कंटिन्यूटी पॉसिबल है इस बिजनेस की. नेक्स्ट कम टू डेमोक्रेटिक सेटअप. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेटिक सेटअप पे बिलीव करते हैं. यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है. डेमोक्रेटिक इसलिए कहा जा रहा है कि वन मैन वन वोट के बारे में बात की जाती है. पर्सन के पास या मेंबर के पास कितने भी शेयर कैपिटल है, लेकिन दे हैव वन वोटिंग राइट नो मैटर व्हाट दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मेंबरशिप. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इजी फॉर्मेशन, देन दैट मोमेंट इट इज क्लियर दैट वी प्रोवाइड ओपन मेंबरशिप टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. कैसे, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इजी फॉर्मेशन की, तो जिस भी इंडिविजुअल को अपना कॉमन इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मैच होता हुआ दिखता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें. तो ये हमारे लिए ओपन मेंबरशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका मेरिट बनता है. नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिकल फंक्शन. हाँ, इकोनॉमिकल है क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रहे हैं. हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं, तो हमने ये कमीशन ही क्यों किया, टू एलिमिनेट द मिडिल मैन. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में आने के पीछे रीजन यही होता है कि बेस्ट एंड चीप क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप परचेज करके उसको कस्टमर तक प्रोवाइड कर पाए. तो वी आर बिलीविंग ऑन इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट इज स्ट्रेट पैट्रोनेज. स्ट्रेट पैट्रोनेज मीन्स these type of organizations enjoy the benefits of benefits given by the government, such as concessions which governments have given them. State patronage mein cooperative organizations ko state government, central governments
जो भी कंसेशंस, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय करती है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को चीप रेट में, मीन्स डिस्काउंटेड रेट में लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिस्काउंटेड रेट में रिबेट प्रोवाइड, डिस्काउंटेड रेट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब ही बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। तो दीज आर द सेवन आर द मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द डीमेरिट्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। अब जो मेंबर्स ऐड हो रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, सबके पास लिमिट में कैपिटल है, तभी वो म्यूचुअल इंटरेस्ट एक साथ लेके म्यूचुअल हेल्प के लिए बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेंबर्स के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल रहता है। सेकेंड डीमेरिट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों? वी हैव नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस वी हैव नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बट एवरीवन इज नॉट स्पेशलाइज्ड। अब जितने मेंबर्स हैं वही ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज को, बट दे आर नॉट परफेक्ट, नॉट एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। अब मेंबर्स तो जरूर बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सभी अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दिस इज द वन मोर डिमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो भी मेंबर्स है कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ वो सभी एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड हैं, तो ऐसे टाइम में क्या होगा? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट दिखेगा ही हमें। नाउ कम टू अनदर डीमेरिट। अनदर डीमेरिट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज जनरली होती रहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ डूइंग वर्क, डिफरेंट टेंडेंसी, डिफरेंट एटीट्यूड्स। बहुत सारे लोग हैं तो ज़रूर है कि सबके एटीट्यूड्स में चेंज होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स में चेंज होंगे। किसी को एक डिसीजन सही लगेगा, वही डिसीजन दूसरे को गलत लगेगा। तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सिचुएशन अराइज होने की। तो ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट डिमेरिट है। नेक्स्ट कम टू अनदर डिमेरिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अनदर डिमेरिट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब मेरिट में हमने कहा स्टेट पेट्रोनेज मिलता है। स्टेट पेट्रोनेज से मतलब था कि गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स देती है, कंसेशनल रेट में रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। अब जब गवर्नमेंट आपको इस टाइप के बेनिफिट्स देगी तो गवर्नमेंट आपके मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहेगी। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिमेरिट है कि गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहता है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस पे। इवन गवर्नमेंट ऑडिट्स करवाती है ताकि इसके फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल जैसे प्रेशर को भी फेस करती है। तो दीज आर द फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जहाँ भी मेंबर्स एक साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जहाँ उन्हें कॉमन मिलता है, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि जितने कलेक्टिव मेंबर्स हैं उनको भी कुछ इकोनॉमिकली साउंड किया जा सके, उनको भी कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल सके, और साथ में जो भी मेंबर्स आउटसाइडर्स हैं उनको भी ये बेनिफिट्स दे सके। दीज आर द मेन फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।